दयालु सामरिये काणे। एक दिन मूसे कानून ले शिखेवणे वाड़ो यीशु बिले आओ। सौ सौ बिले दिखाणो चाहतो कि यीशु गलत रीति के शिखेउंदो लगदो आ। तई तिवे बोलो, ओ गुरु, सौदा रोने वाली जिंदगी पाण तई मुखे करूं। यीशुए बोलो, मूसे कानून दी दुण परमेश्वरे देने दया तेथे दी खे लिखो दो आ। ते वो आदमी जवाब देनो, तेथे दी एणो लिखो दो आ कि तू अपने परमेश्वर के सारे मन प्राण ताकत औजो अकली के प्यार थो, औजो अपने पड़ोसी के आपूसाई प्यार कर। यीशुए जवाब देनो, तेरे ठीक बोलो, जे तू एणो करा तई तोले सौदा रोने वाले जिंदगी मिलने। पर सो कानून जानकार लोगा ले दिखाणो चाहतो कि ते वे जीवन तरीको ठीक तो। तई ते वे यीशु के पूछो, ठीक आ, ते मेरो पड़ोसी कूणा? यीशुए ते कानूने जानकार ले कहानी सुनावियो जवाब देनो, एक यहूदी आदमी तो जून 21 ओड़की के होयो यरूशलेम नगर के यरीहो नगरी ले बाग दो तो लागो दो। पर कुछ डाकुए सो शाओ औजो ते में ते हमलो कियो, तिने ते वो सब कुछ नियो औजो तिने सब मारो पीटो औजो अधमुरो करियो छाड़ो। तेथा बाद एक यहूदी पुरोहित ते सड़की के बागो, ते पुरोहिते सो आदमी सड़की दी पड़ो दो शाओ। जे भी ते वे सो शाओ ते को सो सड़की दूजी बिले भाग्यो आगे निकड़ो, ते वे सो आदमी ना शाओ दो ज्यो कियो। इथे कुछ ही वक्त बाद एक लेवे ते सड़की दी आओ। लेवे यहूदियों एक गोत्र तो दुड़ मंदिरा दी पुरोहिते मदद करते, ते लेविए भी सो अदमुए पड़े दे आदमी ले शाओ और जो शायो सड़किए दूजी बिले के निकड़ो, ते वे भी सो आदमी ना शाओ दो ज्यो कियो। अगलो आदमी दुण ते सड़की दी आओ सो सामरियो देशो एक मर्द तो। सामरी लोग औजो यहूदी लोग एक ही दूजे के नफरत करते, ते को भी ते सामरी आदमी है जे भी सड़की दी पड़े दे ते यहूदी आदमी ले शाओ, ते वो दिल गीण के बरवो। ते को सो ते आदमी बीडे आओ औजो ते वे जोखम दी पाटी बानी। ते को ते सामरी आदमी है सो आदमी अपने गादे में थे पाओ औजो सो ते सड़की के एक आश्रम ले नियो जिदे ते वे निगरानी किए लाए। दूजे दिन ते उस सामरी ले अपने सोपरा दी बागना तो, ते वे आश्रम में मालिका ले कुछ पैसे देने। ते वे ते उले बोलो, एव आदमी निगरानी करे जे इना पैसे के जादो औजो खर्चो होआ ते वापस आंदी बेरे मुँ तेरो इना खर्चो भी हिसाब देऊं। ते को यीशुए कानून जानकार के पूछो कि तू खे सोचा इना चौना आदमी मांझी के ते आदमी पड़ोसी कूणा? जोले लूटो औजो मारो दो तो, ते वे जवाब देनो, सोई जोरे ते में थे गीण किए। ते को यीशुए बोलो, तू भी भाग्यो एणो ही कर। लूका पाठ 10:25-37 के बाइबले एक कहानी।